नेशनल एल्यूमिनियम नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। कल का और परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है नेल्को के अंदर, यहाँ से मोमेंटम बनेगा आज और एक दो दिनों के अंदर नेल्को में, यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नेल्को में जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 73 रुपए का, यानी स्टॉप लॉस भी छोटा सा बैठ रहा है और बाउंस बैक और पुल बैक के लिए ये अच्छा ट्रेड बैठ रहा है। 73 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं नेल्को में 78 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 80 रुपए का उसका दूसरा टारगेट बनेगा। छोटे टारगेट है लेकिन स्टॉक के अंदर यहाँ से ये टारगेट्स एक दो दिनों के अंदर ही अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 73 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 78 और 80 के टारगेट्स के लिए एक दो दिनों के लिए। इसके ऊपर ग्लेनमार्क फार्मा 440 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 16.50-16.60 में मिल रहा है, वहीं पे लेने की सलाह है, इमीडिएट लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 14 रुपए रहेगा, यानी रिस्क आपका सिर्फ 2-2.5 रुपए का रहेगा। और टारगेट्स के लिए मेरा पहला टारगेट 23, दूसरा टारगेट 27, दोनों आज ही हासिल होने की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। इसका ये कारण है, बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, वो रीटेस्ट हुआ और आज वापस एक बार स्विंग हाईस तोड़ के जा रहा है। इसके साथ साथ ऐसा बहुत कम बार होता है दो ऑप्शन बैरियर एक ही दिन में क्रॉस करे, कल का 430 का, आज का 440 का। तो ये जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। तो 430 में लगभग 3.3 लाख शेयर से 440 में 2.5 है, तो इनके शॉर्ट कवरिंग के चलते और लॉन्ग बिल्टअप के वजह से मेरा मानना है कि पोजिशनली ये स्टॉक 460-470 के टारगेट्स 2-3 दिनों में अचीव होते नजर आ जाएंगे। आपके ऑप्शंस के टारगेट बहुत नजदीक के हैं, वो आने के बाद आप स्टॉक को रिव्यू भी ले सकते हैं।